हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डे सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आज का जो वीडियो है उसमें प्रेस टूल के ऊपर होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, प्रेस टनेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा प्रेस टनेज निकालूंगा सारा जो है, मैं आप डिजाइन देख पा रहे हो, ये मेरा बेसिकली कॉम्पाउंड टूल है। तो इस टूल की जो है हम आज प्रेस टनेज निकालने वाले हैं। ठीक है, तो सारा चीजें प्रैक्टिकली कराऊंगा, जो भी कॉम्पोनेंट है इस कॉम्पोनेंट के, आप जो है कटिंग लेंथ वगैरह निकालना सिखाऊंगा आपको। उसके बाद जो फॉर्मूला के हिसाब से डाल के जो आपकी प्रेस टनेज निकाल के आते हैं, तो सारा चीजें मैं यहाँ वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं चीजें बताऊंगा वो प्रैक्टिकली बताऊंगा, कोई भी टूल का, कोई भी टूल डिजाइन का कैसे निकाल दो। तो सारा चीजें इस वीडियो में आप सीखने वाले हो, कैसे कैसे आपको निकालना है, क्या क्या पैरामीटर वगैरह आपको देखना होता है। तो एक एक चीज आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देख रहे रहना। जो लोग नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरीके से वीडियो वगैरह मैं डालते रहता हूँ, और मेरा अलग अलग से प्लेलिस्ट वगैरह बना रखा हुआ, आप वहां पे जाके सारा प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके टूल के बारे में बता देता हूँ। जो मेरा टूल है यहाँ पे आप देख पाओगे, मेरा यहाँ पे कॉम्पाउंड टूल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं स्प्रिंग वगैरह लगा रखा हूँ, सारा चीजें स्टैंडर्ड लगा रखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले आपको जो है, सबसे पहले आपको कॉम्पोनेंट दिखा रहे थे। तो कॉम्पोनेंट में मेरा क्या है, इस तरीके से मेरा कॉम्पोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दू, ठीक है, तो यह मेरा पांच है, तो ये मेरा कॉम्पोनेंट है। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रिप है, स्ट्रिप जो है मार्केट में स्टैंडर्ड मिलता है, वो स्ट्रिप है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि मैं यहाँ पे जैसे मैं स्टिपर प्लेट लगा रखा हूँ इस तरीके से, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिफ्टर भी लगा रखा हूँ, लगा सकता हूँ स्ट्रिप को अप एंड डाउन करने के लिए। तो लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे स्टिपर चल रहा है, जो मेरा स्ट्रिप होगा उसको लिफ्ट करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट है, इस कॉम्पोनेंट की जो मेरा डायमेंशन है, तो आप देख पा रहे हो ये मेरा कॉम्पोनेंट के सारा डायमेंशन में यहाँ पे लिख रखा हूँ। और इसकी कटिंग लाइन कैसे निकालना है, मान लो आपका सेमी सर्कल होगा तो कटिंग लाइन कैसे निकालोगे, स्ट्रेट लाइन होगा तो कैसे निकालोगे, और अगर सर्कल होगा तो उसको कैसे निकाले, उसके बारे में भी मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, मेरा जो कंपोनेंट है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे, ये जो है मेरा ब्लैंक कटने वाला है, ये जो एरिया है मेरा ब्लैंक कटने वाला है, और जो यहाँ पे पंचिंग होने वाला है। तो मेरा जो कंपोनेंट है, जो मेरा कंपाउंड टूल है, यहाँ पे ब्लैंकिंग होंगे, उसके बाद यहाँ पे पंचिंग होंगे, तो मतलब दो ऑपरेशन होंगे एक ही टूल में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड टूल। तो सबसे पहले हम कंपाउंड टूल की जो कंपोनेंट होती है, कंपोनेंट को देख लेते हैं। और यहाँ पे जो आपकी टनेज निकलने वाला है तो बहुत ही कम निकलेंगे, क्योंकि कंपोनेंट की जो थिकनेस है उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मेरा थिकनेस जो है 0.5 का थिकनेस है, और जो मेटल है मैं यहाँ पे एमएस का मेटल यूज कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा कॉम्पोनेंट है आप देख पाओगे किस तरीके से मेरा कॉम्पोनेंट है, और यहाँ पे जो थिकनेस अप्रोक्सीमेटली है, यहाँ पे जो है मैं आपको एक रफली दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो मैं थिकनेस यूज कर रहा हूँ प्रोजेक्टेड डिस्टेंस लेके, तो जो भी चीजें कराऊंगा प्रैक्टिकली आप देखोगे 0.5 का मेरा यहाँ पे थिकनेस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरा कंपोनेंट आ गया 0.5 का, वो है थिकनेस है कंपोनेंट की, और जो मेटल है हमने एमएस का ले रखा है। कोई एमएस का भी कर सकते हो, अगर आपको मेटल सेंस करना है, उसकी शियर स्ट्रेस वगैरह कैसे निकालना है उसके बारे में भी वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैं पीपीटी में आता हूँ, तो प्लेस टनेज कैसे निकालते हैं। तो ये मेरा नंबर है, जिसको भी क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, जिसको भी डिजाइन वगैरह बनाना सीखना है जिस तरीके से, और प्रोग्रेसिव टूल वगैरह और एडवांस लेवल में भी सीखना है, नंबर मेंशन है वहां पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पे ये कॉम्पोनेंट है। ठीक है, तो इस कॉम्पोनेंट का हम पहले ध्यान से देखते हैं, कॉम्पोनेंट में मेरा क्या क्या है क्या नहीं है, तो इसको हम ध्यान से देखते हैं। और यहाँ पे दोस्तों, जैसे यहाँ पे 25 mm है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये जो है मेरा 4 mm का होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, मैं टूल को पूरा बना चुका हूँ तो मुझे पता है। ठीक है, ये 4 mm का होगा। तो दोस्तों ध्यान से देखोगे तो मेरा कंपाउंड टूल जब बनाते हो तो फॉर्मूला क्या आता है, मतलब जो कटिंग फोर्स निकालते हो, फिर पूरा प्रेस टनेज निकालते हो, उसका फॉर्मूला क्या आता है। जब भी आप प्रेस टनेज निकाल रहे हो, मतलब कितना टन में आपकी ये प्रेस चलने वाला है उसको निकालते हो, तो सबसे पहले आपकी कॉम्पोनेंट की साइज कितना होता है और इसकी हाइट कितना होता है वो आपको देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ में जाने के बाद सिंपल डिस्टेंस में जाके प्रोजेक्टेड डिस्टेंस लूंगा, ओवरऑल लेंथ कितना है। ठीक है, जो हम टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम टॉप प्लेट और जो बॉटम प्लेट यूज कर रहे हैं 240.5 है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे शीट का थिकनेस भी आ गया, तो हम 250 के अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं। जो मेरा टॉप प्लेट और जो मेरा बॉटम प्लेट है, ठीक है, बॉटम प्लेट है, तो हम इसको जो है अराउंड 40-45 mm का रखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 40 mm आप रख सकते हो। बाकी जैसे मेरा पांच होता है, ठीक है, पांच प्लेट की जो होता है वो थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा होता है, क्योंकि पांच को गाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी लेंथ ज्यादा हो जाता है, और बाकी जो आप अप्रोक्सीमेटली 26 mm का 25 mm का यहाँ पे प्लेट हम ले सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं पिलर सेट लगा रखा हूँ, यहाँ पे मैं मिशुमी का पिलर सेट लगा रखा हूँ, बहुत सारा चीज स्टैंडर्ड है, जिसको भी
कैलकुलेशन के साथ स्टैंडर्ड के साथ सीखना है, नंबर मेंशन है वहां पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं विश्व की बात नहीं करूंगा या कोई अदर स्टैंडर्ड की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं सीधा बात करूंगा तो प्रेस कैसे निकालते हैं, ठीक है। स्प्रिंग की कैलकुलेशन वगैरह की भी अलग से वीडियो बना रखा हो, जिसको भी जाके देखना है देख सकते हो, जिसको भी क्लास वगैरह ज्वाइन करना है इसी तरीके से हर एक चीजें की, तो उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेंशन नंबर पे। तो देखिए सबसे पहले प्रेस तनेज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कटिंग फोर्स चाहिए, ठीक है, और स्ट्रिपिंग फोर्स चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रिपिंग फोर्स में हम बाद में आते हैं, पहले हम जाते हैं कटिंग फोर्स के ऊपर, तो अभी मैं आ रहा हूँ कटिंग फोर्स के ऊपर। तो दोस्तों कटिंग फोर्स निकालने के लिए टोटल कटिंग लेंथ चाहिए। अब देखो ये मेरा इसमें टोटल कटिंग लेंथ निकालना पड़ेगा आपको सबसे पहले, उसके बाद कॉम्पोनेंट की थिकनेस क्या है और आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या है। देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सब मेटेरियल की अलग अलग होता है, अगर आपका SS है उसका अलग से आता है, अगर आपका ब्रास है उसका अलग से आता है, अगर आपका एल्यूमिनियम है उसका अलग से आता है। तो यहाँ पे जो है हम MS का लेंगे, तो MS का अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे 35 लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं, आपका CF हो गया कटिंग फोर्स, ठीक है। टोटल लेंथ हमने कैसे निकाला, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। तो मैं यहाँ पे ये जो स्टार्ट देख रहे हो ना, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका ओवरऑल लेंथ लेना पड़ेगा आपको, ये सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में ज्यादा इजी हो जाएंगे चीजें। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 10 mm है, ठीक है, मैं इसको ड्रॉइंग बोर्ड में ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ से ये जो 10 mm है, ये वाला 10 mm यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर जो है इसकी 4 mm लेंथ, तो ये 4 mm है। फिर जो है आपको यहाँ पे देखो सेमी सर्कल का आपको ये वाला फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, पाई इंटू आर होता है, ठीक है। आर कितना है मेरा 2.5, पाई कितना हो जाएगा 3.14, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 mm आ जाएगा, फिर ये जो 10 mm आ जाएगा, फिर ये 30 mm आ गया इधर पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये 10 mm, ये 10 mm इधर हो गया, फिर आपका कितना हो जाएगा 4 mm इधर आएगा, फिर आपका ये वाला फॉर्मूला अगेन आ जाएगा सेमी सर्कल का, ठीक है। उसके बाद आपका ये 4 mm आ गए, ये वाला 4 mm आ गया, फिर आपका ये 10 mm आ जाएंगे, ये 10 mm हो गया, फिर आपका ये 10 mm हो गया, ये वाला 10 mm हो गया, फिर आपका 25 mm ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 10 mm हो गया, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे जो ये चैम्फर है ना, चैम्फर का मैं नहीं पकड़ा हूँ कि बहुत छोटा है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, चैम्फर का भी ले सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, 25 के बाद 10 है, फिर उसके अगेन 25 mm है, 25 mm है, फिर आपका 10 mm है। तो ओवरऑल मेरा जो आउटर है, जो मेरा ब्लैंक है, ब्लैंक का मुझे साइज निकल गया। अब मुझे ब्लैंक का निकल गया लेकिन मुझे क्या निकालना है, अब जो है ये जो सर्कल है जो यहाँ पे पंचिंग होने वाला, ब्लैंकिंग का तो निकल गया, मुझे पंचिंग का निकालना है। तो पंचिंग के निकलने के लिए ये फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। तो r कितना है 2.5 है, पाई हो गया 3.14, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका वैल्यू निकल के आता है 197.4। इसको आप करके देख लेना खुद से, ये मेरा टूल है, अगर आपको टूल चाहिए तो मैं टूल को शेयर कर दूंगा, अपना कमेंट सेक्शन में अपने मेल आईडी आप डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो, इसी तरीके से मैं क्लासेस वगैरह देता रहता हूँ, जिसको भी जो डाउट वगैरह है वो अपने आप पूछ सकता है। तो ओवरऑल जितना भी आपकी कटिंग एरिया है उसका हमने लेंथ निकालना है, टोटल लेंथ निकालना है, वो आपका यूनिट किस में होंगे, mm में होंगे। अब हम नेक्स्ट आते हैं फॉर्मूला पे, तो हम फॉर्मूला में आते हैं, तो कटिंग लेंथ मेरा कितना हो गया 197.4 आ गया। शीट की थिकनेस मैंने आपको दिखाया था 0.5 का है, और जो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ आपका जो MS का आता है 35 का बनता है, अगर मैं SS में लेता हूँ तो हम 40 में लेंगे, ठीक है। तो सब मेटेरियल का अलग अलग होता है, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ 35 का ले रहा हूँ, MS में है, ठीक है। और उसको निकालने के बाद जब जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हो आप, मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें देखो आपका किस में, एक तो आपका MM में है, ये भी MM में है, और ये न्यूटन पर MM स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 1 mm काट जाएगा, इधर पे 1 mm काट जाएगा, तो बसा क्या हो जाएगा, न्यूटन रह जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा 3454.5 न्यूटन, क्योंकि आपके ये mm काट जाएगा, इसमें 1 mm काट जाएगा, और इसमें दोनों mm काट जाएगा, मतलब 1 mm इसमें काटेगा, 1 mm इसमें काटेगा, तो यहाँ पे न्यूटन रह जाएगा आपका ओनली, ठीक है। अब न्यूटन को हम जैसे तनेज में मेट्रिक यूनिट में डिफाइन करते हैं, तो आपको 1000 से डिफाइन करना पड़ेगा, अगर मेट्रिक यूनिट में निकालते हो न्यूटन को, मतलब हम तनेज में निकालते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.45 हो जाएगी, आपका क्या हो गया कटिंग फोर्स हो गया। देखो यहाँ पे टन आपका बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि आपको जो साइज बन के आ रहा है उसके हिसाब से बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पे थिकनेस कम है, अगर जैसे प्लेट की थिकनेस आप इंप्रूव करोगे ना, तो यहाँ पे आपके कटिंग फोर्स भी इंप्रूव होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे दोबारा हम आते हैं फॉर्मूला पे, ठीक है, फॉर्मूला पे आते हैं, आने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रेस तनेज आप कैसे निकालते हैं। प्रेस तनेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको कटिंग फोर्स चाहिए, कटिंग फोर्स मेरा यहाँ पे निकल गया। स्ट्रिपिंग फोर्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा, सो दोनों को हमको प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे प्लस होगा आपका, ठीक है, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। स्ट्रिपिंग फोर्स क्या होता है, स्ट्रिपिंग फोर्स होता है आपकी 20% ऑफ कटिंग फोर्स, अब कटिंग फोर्स 20% जो हो जाता है,
ठीक है। अब मैं 25% 20% कैसे हो जाएगा, तो इसको हम परसेंटेज में निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे आपको 20% है डिवाइड बाय 100 कर लो आप, कर दिया इनटू 3.45 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना मिल गया, 0.69 का आपको मिल गया, 0.69। और इसको दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आपको मिल जाएंगे 4.1 टन। ये आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आपको इससे प्लस लेना पड़ेगा। अगर आपको इसको जैसे शीट थिकनेस है इसको आप इम्प्रूव करोगे तो इसमें और इम्प्रूव हो सकता है। अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे मेरा यहाँ पे कंपोनेंट है, इसमें मैं बात करता हूँ, तो मैंने साइज वगैरह किस हिसाब से लिया है, मतलब कहाँ पे कितना हिसाब से लिया है, ठीक है। यहाँ पे शिपिंग करने के लिए यहाँ पे आपको स्लॉट काटना पड़ेगा, ठीक है, या जैसे इसको हम क्या करते हैं क्लेम करने के लिए स्लॉट वगैरह आपको करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मेटेरियल इधर जरा ज्यादा रखा हूँ। तो ये जो आपकी स्टैंडर्ड होगा इसके डायमीटर के हिसाब से ये साइज वगैरह डिफाइन होता है, कभी भी आप टूल बनाते हो। अगर ये क्लास ज्वाइन करते हो तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में करा दूंगा, पूरा टूल करा ही दूंगा, जैसे जैसे बनाना है हर एक टूल करा के इसमें आपको कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। तो यहाँ पे जो इसकी हाइट होता है, इसकी लेंथ होता है, ये डिपेंड करता है आपकी डाई की साइज के ऊपर, ठीक है। डाई की साइज के ये स्टैंडर्ड आता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड के हिसाब से बनता है। उसके हिसाब से हम प्लस माइनस करके, क्योंकि अगर मान लो इस तरीके से हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी आपको क्या होगा 10 mm, तो मैं मिनिमम लूंगा, यहाँ पे भी मैं 10 mm लूंगा, फिर जहाँ पे कंपोनेंट खत्म हो रहा है यहाँ से भी मैं 40-50 mm तो लूंगा, क्योंकि यहाँ पे डावेल आने वाला है, स्प्रिंग आने वाला है, बोल्टिंग होने वाला है, तो इसी हिसाब से लेंगे। और लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी तने बन के आ रहा है उस मशीन की जो आपकी फाइबर डिस्टेंस वगैरह होगा, तो इसमें हम साइज वगैरह देखेंगे कि मैक्सिमम इसकी डे लाइट कितना आ रहा है, इसके साइज के हिसाब से उस मशीन पे आ रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना है। अगर इस तरीके से करते हो तो सारा चीजें आपको पता लग जाएगा, किसी तरीके से टेंशन नहीं लेना है। तो इस तरीके से बना के आप प्रॉपर टनेस निकाल सकते हो। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, मैंने कोशिश करा किस तरीके से फॉर्मूला से निकालते, सारा फॉर्मूला से आपको समझा दिया। फिर भी अगर किसी चीज का डाउट है, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जिसको भी इसी तरीके से क्लासेस वगैरह कैलकुलेशन से सीखना है, नंबर मेंशन है, वहां पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।